हे फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। जिसे आप देख रहे हो कि आज एक नया डिश है, नया तो नहीं है, पराठा है, लेकिन बिनी लाई है तो कुछ नया होगा। ये आप लोग सोच रहे हो ना, तो ये परफेक्ट सोच रहे हो, कुछ नया है, कुछ नए अंदाज से है, बहुत टेस्टी है। पता है बच्चों को ये ना बहुत पसंद आता है, तो हम लोग ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, नहीं तो वो लोग भूखे जब स्कूल से आते हैं तो उनको कुछ हैवी फूड चाहिए होता है, तो ये हम लोग बना के भी दे सकते हैं उस टाइम गर्मा गर्म। इसका नाम है लहसुनी पराठा। बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। ये तो आप लोग जब बनाओगे ना तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि मैं कितना सच बोल रही थी। गार्लिक डाल रहे हैं, मीन्स लहसुन डाल रहे हैं, तो अभी ठंडे का मीन्स अभी जो रेनी सीजन आ रहा है उसके लिए भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो अभी विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो पहले थोड़ा सा हम लोग बटर ले लेंगे, बटर थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो पिज्ज़ा में देते हैं ना बेसिल सीजनिंग एंड देन चिली फ्लिक्स, उसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है लहसुन, कुटा हुआ लहसुन एंड कोरिएंडर लीव्स और धनिया का पत्ता। फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने मिलाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। चिली फ्लिक्स अगर आप लोग ज़्यादा चिली खाते हो तो और ज़्यादा डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अभी पहले से हम लोग जो आटा डब बनाए हुए हैं, आटा गूंद के रखा हुआ है, उसमें हम लोग रोटी जैसे बनाते हैं वैसे ही थिन बनाएंगे, अच्छी तरह से बेल लेंगे। फिर इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे, हर साइड से स्प्रेड कर देंगे, जैसे कि उसका स्मेल आता रहे। इतना अच्छा स्मेल आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसका अरोमा के बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती। अभी से इतना स्मेल आ रहा है ना, जब ये पूरा पक जाएगा तो उसका स्मेल और कितना आएगा। और टेस्ट के बारे में तो मैं और क्या बताऊँ आप लोगों को, आप जब खुद ट्राई करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैं कैसे कर रही हूँ कि उसका जो बटर है वो हम लोग जब पराठा बनाएंगे ना तो निकलेगा नहीं। मैं ये दो टाइप की आपको बता रही हूँ फोल्ड करने के लिए, एक तो बता दिया, ये सेकेंड टाइप है। सो अभी जैसे हम लोग नॉर्मल पराठा बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। फिर एक तवा गरम करके जैसे पराठा हम लोग सेकते हैं वैसे ही सेकना है, बस उसका टेस्ट ही चेंज है। नॉर्मल का, आलू का, आप लोगों को मीन्स जैसे पता है, इसका जो लहसुन एंड बटर का स्मेल है ना, मैं आपको डिस्क्राइब करके बता नहीं सकती। तो ये सब आपको खुद करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। एंड इतना गारंटी है कि हर बच्चा को पसंद आएगा ये, हर फैमिली मेम्बर्स को पसंद आएगा ये। इसका स्मेल, उसका टेस्ट इतना यमी रहता है। बच्चे तो, मेरे बच्चे तो रोज़ टिफ़िन में दे दो तो भी वो लेके चले जाएंगे। इसको कर्ड के साथ खाइए, पिकल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा रहता है। सो अगर मेरा ये नया रेसिपी आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, एंड फॉलो करना भी बिल्कुल ही मत भूलिए। सो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो नया वीडियो होगा, जो नया रेसिपी होगा, आप लोगों के पास पहले पहुंच जाएगा। और एक बात, मेरी और एक चैनल है जिसका नाम है बीआर दिल से, जो व्लॉग चैनल है। बहुत सारा एंटरटेनमेंट हम लोग करते हैं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली रहती है, आप लोगों का पूरा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई दैट चैनल टू। थैंक यू मच।